वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं मैथ फैमिली। सर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट, यूपीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि में सब में पूछे जाते हैं। आपने देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बड़े सिंपल ढंग से एक ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो अगर आप इसको लेंथी मेथड से करोगे तो काफ़ी टाइम लगता है, जिसमें एरर के चांस भी ज़्यादा है। बेसिक से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपको पहले सिंपल तरीके से करके बता देता हूँ कि उससे कैसे हम ड्राइव करेंगे कोई फॉर्मूला जो इनका आंसर सिर्फ 2 या 3 या 4 सेकंड में बड़े आराम से दे देगा और कोई गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इसको 2 की जगह 3 ले लेता हूँ, उसका एक रीज़न है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू अगर 3 दे रखा है तो मुझे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक तरीके से तो हमें करेंगे इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ a था वो a स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो इसी से हमें निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बनेगा, इधर 3 का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन x का स्क्वायर नहीं, 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 into a into b। a क्या है, यहाँ x है, b क्या है, 1 अपॉन x है, और ये जगह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, 9 माइनस 2, और ये आ जाएगा 7, यानी हमारे पास फाइनली x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, ये इसका आंसर आया। लेकिन अगर इतना टाइम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो कि पूछा जाता है सीटेट या एसएससी वगैरह में, तो ये जो है काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाया तो बाकी के क्वेश्चन में आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो हम करते क्या है, इसकी एक ट्रिक बनाई हमने, और ट्रिक भी कहाँ से आएगी, इसी बेसिक रूल से आई है। ट्रिक क्या कहती है कि भाई अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कुछ दे रखी है, मैं यहाँ a लिख देता हूँ। ठीक है, जनरलाइज करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x अगर a है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्लस की बात कर रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू a है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, यानी यहाँ जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब खास बात का ध्यान रखनी है, देखिए अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो आपसे वो प्लस की वैल्यू निकलवाएगा हमेशा क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको क्या करना है आंसर फाइंड आउट करने के लिए, अगर यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ लगाना है माइनस, और अगर यहाँ माइनस होगा तो वो प्लस लगाएगा। वो मैं कैसे होगा मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब ये आया कहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं इसको यहाँ 3 मान ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ 3 का स्क्वायर करा, अगर मैं यहाँ a मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ a का स्क्वायर होगा। ठीक है, और बाद में आपने देखा x इंटू 1 अपॉन x, यहाँ इसका रेसिप्रोकल है तो ये हमेशा 2ab में कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, हमेशा प्लस 2 बचेगा, और वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या कि हमने क्या 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर करा, ठीक है, और ये माइनस 2 जो करा था हमने a के स्क्वायर में करा, और उससे आंसर आएगा a का स्क्वायर माइनस 2। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना, a का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, एक चीज़ है, अगर यहाँ x प्लस 1 अपॉन x था तो जब हम a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ प्लस की वजह से, यहाँ प्लस की वजह से, प्लस की वजह से यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस 2 उधर जाके हमेशा माइनस 2 बनेगा, तो उसका मतलब प्लस वाले में माइनस आएगा आंसर अगर हमें निकालना है। तो ये बात आप समझ गए होंगे ये कैसे आया। अब हम फटाफट आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसके लिए। ठीक है, अब इसके लिए हम ऐसे फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर हमें x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 फाइंड आउट करना है तो इससे देखिए, अब देखिए अगर मैं a की वैल्यू यहाँ 2 रखता हूँ, a की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, जब मैं ऐसे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 2 रखता हूँ इसकी जगह में, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी x प्लस 1 अपॉन x की पावर, अगर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर भी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2। अब वो इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि यहाँ x बराबर 1 और x बराबर 1 होगा, तब x प्लस 1 अपॉन x की पावर वैल्यू भी 2 आएगी और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की भी पावर 2 इक्वल टू 2 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ रखता हूँ 4, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 4 रखा, ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 चौक 16, 16 में से दोगे 14। ठीक है, तो ये आपको मेंटली कैलकुलेट करना है, स्क्वायर निकालना है और माइनस 2 कर देना है, बस इतना। अगर यहाँ 5 होगा, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, अगर यहाँ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू जाएगी a का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 25 25 में से दोगे 23, सीधे सीधे आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं जो है नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करने का तरीका बताता हूँ आपको। तरीका यही है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये देखना है।
ठीक है, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ a, और ये हो गया था हमारा ए स्क्वायर माइनस टू। अब बात आती है अगर है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है 2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू इससे डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला काम करेगा वो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन ये एक बात तो तय है कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता होती, ठीक है पता होती, तो इसकी पावर 2 × 4 है, तो इसकी पावर से ये डायरेक्ट निकल जाता। तो इसका मतलब पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर हमें बड़ी पावर्स को कैलकुलेट करना है तो ये बड़ी ये बड़ा सिंपल है। x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना जाएगा आपके पास यहाँ, ए का स्क्वायर माइनस टू, यानी 2 × 4 यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी वैल्यू रखना चाहते हो तो वो भी रख लीजिए, ठीक है। यहाँ 6 दे रखा है, मान लिया अगर यहाँ 6 दे रखा है तो ये कितना जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6×36 में दोगे 34, 34, ठीक है 34 हो जाएगा। अगर अब मुझे ए वाली वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इससे ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, अब आपके पास सिंपल सा है कि आप यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस 2 लगा दो, और ये ए स्क्वायर माइनस 2 रेफर करेगा इस वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ ए कितना है, यहाँ 34, अब ए ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर और माइनस 2, ये बड़ी वैल्यू आई है क्योंकि मैंने 6 लिया था। यहाँ जनरली आपको क्वेश्चन में 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 1 मिलेगा, ठीक है इस तरीके से, लेकिन फाइंड आउट तो हो जाएगा, ठीक है ये भी बड़ी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन ये होता कि सोचो कि मैं अगर यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ मैं, तो ये कितना जाएगा मेरे पास, ये भी 2 आएगा, ठीक है। और अब मुझे ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है, अब मुझे निकालनी है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इससे ये मैं तब फाइंड आउट करूंगा तब मुझे ये पता होगा, ठीक है। तो मुझे पता है x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 होगी, तो x स्क्वायर प्लस, पहला स्टेप दिमाग में हम कैलकुलेट करते रहेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी 2, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये a होगा इसके लिए, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 × 4 × 4 = 2, ठीक है। फिर क्या होगा, ये होगा ए इसके लिए, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। अब ये सब इसमें 2 क्यों आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि यार सबकी वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, अगर x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू यहाँ 1 चल रही है, तो x की वैल्यू यहाँ 1 चलेगी तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 वो 2 ही आएगा, तो इन सबकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको बदलता हूँ, ठीक है 3 लिखता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग होता जाएगा, प्रैक्टिस कराने के लिए इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो करना तो आपको ही है। x प्लस 1 अपॉन x 3 है, और मुझसे पूछेगा सीधे ये क्वेश्चन में ये गिवन होगा, कुछ पूछेगा कि भाई ये बताओ, तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में कैलकुलेट करूंगा कि भाई x प्लस 1 अपॉन x अगर 3 है तो स्क्वायर वाली पावर का आंसर आएगा a का स्क्वायर माइनस 2 यानी इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 × 9 − 2 यानी 7, x की पावर 4 अगर निकालना है और 2 मुझे पता चल गया तो a का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 × 7 = 49 − 2 = 47। अब मुझे करना है x की पावर 8, ठीक है, तो मुझे पता है ये a काम करेगा इसके लिए, तो a का स्क्वायर यानी 47 का स्क्वायर और माइनस 2, ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली ये है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा मिलता है आपको और ऐसे मिल जाए तो आपको बीच का स्टेप भी दिमाग में कैलकुलेट करना है, और बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद अगर ये दे रखा है और ये पूछना है पूछा है तब भी आप कर सकते हो। अब बात आती है माइनस वाले क्वेश्चन की, ठीक है, माइनस वाले में क्या करना है, तो माइनस वाले में बस अंतर आपको ये रखना है कि अगर यहाँ x माइनस, अगर यहाँ x माइनस 1 अपॉन x है और यहाँ a दे रखा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो पूछेगा क्या आपसे, वो हमेशा पूछेगा, तो यही, ठीक है यही पूछेगा। तो इतना अंतर है कि आपको दे रखा हुआ x माइनस 1 अपॉन x बराबर a, तो आपसे जो पूछेगा तो यही, तो आंसर में इतना आएगा कि ए स्क्वायर माइनस 2 जहाँ कर रहे थे वहाँ ए स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ और सीधे करेंगे, x माइनस 1 अपॉन x अगर दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है, तो आपको निकालना है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि x माइनस 1 अपॉन x से मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, तो पहले मैं स्क्वायर निकालूंगा, तो स्क्वायर के लिए यहाँ आएगा x स्क्वायर, x की पावर 4 के लिए यहाँ आएगा, और फिर मैं उसके लिए a मान लूंगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का फॉर्मूला चलेगा यहाँ, तो a ही हो गया मेरा इसके लिए, तो a स्क्वायर यानी 3 × 9 = 11, इसके लिए 11 आएगा, पावर 4 के लिए आएगा, ये हो गया a का स्क्वायर यानी 121 प्लस 2 123, अब ये a हो गया किसके लिए, इसके लिए, तो इसका आंसर आएगा 123 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस चलेगा सब में, ठीक है। तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस वाले और प्लस वाले को कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ, अगली वीडियो में हम करेंगे x प्लस 1 अपॉन, अभी आप देख रहे थे ये इवन पावर्स के लिए पूछा गया है, चाहे प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो,
ठीक है, यहाँ तो प्लस ही रहने वाला, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, लेकिन पूछा गया आपका इवन पावर के लिए 2, 4, 8। अगर ओड पावर के लिए पूछ लिया जाए, सॉरी यहाँ 5 होगा, ठीक है, यहाँ 5 होगा, ठीक है, अगर ओड पावर्स के लिए पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, ओड पावर्स के लिए पूछ लिया है तो ये वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे करना है। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल का लिंक ऊपर दे रखा है, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल आइकन दबाइए, यानी नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल का आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप खुशकिस्मत है, आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये ट्रिक, अगर आपको पसंद आई है तो। अगर आपको लगता है ये काम की ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।